क्या आप जानते हैं 140 करोड़ भारतीयों का भारत असल में सनातन धर्म की उपज है। ना सिर्फ संविधान बल्कि वेद पुराणों से लेकर धर्म ग्रंथों में भारत नाम का जिक्र है। बकायदा भारत नाम का धार्मिक महत्व बताया गया है। विश्व पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमादृश चैव दक्षिणम वशतदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब ये, समुद्र के उत्तर हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारती हैं। सौ बात की एक बात ये, सनातन से ही हम भारतीयों का अस्तित्व है और आज उसी अस्तित्व के खात्मे के लिए सोचा जा रहा है। जुबानी हमलों से सनातन पर चोट की जा रही है, सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बका जा रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है और जिसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने सनातन विरोधियों को भूत पिशाच और भ्रम राक्षस बताते हुए इनका भविष्य बता दिया। ये सनातन का गौरव काल है, गुलामी की निशानियों को मिटा करके आत्मग्लानि कुंठाओं से उभर करके देश को शौर्य वीरता और पराक्रम के साथ आगे बढ़ाने के संकल्प का कालखंड है। जो सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में वो खत्म हो जाएंगे, उनका सबका मोक्ष हो जाएगा। उसमें कुछ भूत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस बन करके और दूसरे तीसरे लोक में पहुंच जाएंगे। जहां तक प्रश्न है, लोग जिस तरह से सनातन पर लांछन लगा करके उसे जातिवादी बताते हैं, उसे जो है भेदभाव और अन्याय वाला बताते हैं, वो कुंठित बुद्धि वाले दुराग्रही और किसी एजेंडे के तहत सनातन धर्म के खिलाफ विदेशी ताकतों से कहीं प्रभावित होकर के या उनसे जिसको कहते सुपारी लेकर के सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण का अर्थ जाति नहीं है, ब्राह्मण का अर्थ है जो अज्ञान को मिटाए, क्षत्रिय का अर्थ है जो अन्याय को मिटाए और वैश्य का अर्थ जो अभाव को मिटा और शूद्र का अर्थ जो अशुचिता को मिटा करके शुचिता के प्रतिमान घड़े, कुंभकार का अर्थ है घड़ा बनाने वाला, लोहार का अर्थ है लोहे से काम करने वाला, स्वर्णकार का अर्थ है सोने का काम करने वाला, धोबी का काम है धोने वाला। तो भाई ये जाति सूचक शब्द नहीं है, चातु वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, ये सब कर्म और योग्यता सामर्थ्य सूचक शब्द है। तो मैं यदि खुद को बोलूं तो मैं ब्राह्मण भी हूं कि मैं अन्याय को खत्म करने का काम कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं क्योंकि मैं अन्याय से लड़ रहा हूं, मैं वैश्य भी हूं क्योंकि मैं अभाव से लड़ रहा हूं, मैं शूद्र भी हूं क्योंकि मैं शुचिता को प्रतिष्ठापित कर रहा हूं, मैं स्वर्णकार हूं मैं सोने जैसा भारत बनाना चाहता हूं, मैं कुंभकार हूं देश के चरित्रमाण राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा हूं और मैं धोबी भी हूं लोगों के तन मन जीवन के दाग धो रहा हूं। इसलिए ये हमारे भीतर के सामर्थ्य के जो सूचक शब्द थे उनको लोगों ने जातियों के रूप में स्वीकार कर लिया। ये सनातन का दोष नहीं है, स्त्री पुरुष के नाम पर सनातन में कोई दोष नहीं है। जो सनातन पर दोष मन रहे हैं ये भारत विरोधी, ये सनातन विरोधी और एक एजेंडा के तहत हमारे ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा को, भारत और भारतीयता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और भगवान इनको सबको सद्बुद्धि दे। और नहीं तो मैंने कहा ये देश राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर उन सब के जवाब देने में सक्षम है और हम जवाब देंगे और अंततः ये सारे असुर सारे राक्षस पराजित होंगे। बाबू जी, समय एक लंबी बहस चली भारत वर्सेस इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? भारत हजारों वर्ष पुरानी एक सनातन संस्कृति का उद्घोषक है, इसलिए हम तो भारत वाले हैं। इंडिया में जिनके डीएनए में थोड़ी गड़बड़ी है उन लोगों को इंडिया शब्द अच्छा लगता है, तो हम तो भारत वाले हैं और भारत में
योग है, आयुर्वेद है, सनातन संस्कृति है, उसके अंदर वेद हैं, पुराण हैं, ऋषि मुनि हैं, इसलिए हम तो भारत और भारतीयता के ही उद्घोषक रहेंगे। जिनके अंदर अभी भी गुलामी है, आत्मग्लानी है, अपने आप को सनातन या हिंदू कहने में या भारतीय कहने में जिनके मन में कुंठा है, वह इंडियन कह रहे हैं अपने आप को। हमने तो 30 साल पहले मेड इन भारत लिखने वाला कोई संस्थान है तो पतंजलि है। वो कौन है जो भूत पिशाच और भ्रम राक्षस बन के दूसरे लोक पहुंच जाएंगे और सनातन के विरोध में किनका सर्वनाश निश्चित है? आखिर ये लोग कौन है ये आप खुद तय कीजिएगा। हम आपको हाल फिलहाल में सनातन के खिलाफ जिन जिन लोगों ने जहर उगला है उनके बयान याद दिलाते हैं। ये है तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन। इनका कहना था, जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। जी परमेश्वर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, हिंदू धर्म कहां से आया, इसे कौन लेकर आया, ये किसी को पता नहीं। प्रियांक खड़के, मल्लिकार्जुन खड़के के बेटे, ये कहते हैं, जिस धर्म में समानता नहीं वो धर्म नहीं, बीमारी है। कार्तिक चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के बेटे, इनका कहना है कि सनातन धर्म जातिगत भेदभाव का एक कोड है और इसके अलावा कुछ नहीं। ए राजा, डीएमके नेता, ये कहते कि मलेरिया और डेंगू से सनातन की तुलना करना तो नरम रुख है, सनातन की तुलना तो एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से ही की जानी चाहिए। तो इतिहास गवाह रहा है कि दक्षिण की द्रविड़ राजनीति में सनातन को कोसकर ही वोट मिले हैं और इसलिए डीएमके नेताओं का सनातन के खिलाफ जहर उगलना समझ आता है, लेकिन कांग्रेसियों का सनातन पर चोट समझ से परे है। कांग्रेसियों के नेता राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदू वाली राजनीति करते हैं, मानसरोवर यात्रा से लेकर राजस्थान के पुष्कर मंदिर और महाकाल जाकर शीश नवाते हैं, लेकिन खुद के पार्टी नेता और सहयोगी दलों के सनातन विरोधी बयानों पर कोई स्टैंड नहीं लेते। जब कांग्रेस सभी धर्म का सम्मान करती है तो फिर सनातन विरोधी सहयोगियों पर बोलने से डरती क्यों है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।